वेलकम बैक टू चैनल। होपफुली सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। भाई आज आपका फिर से स्वागत है और आज मैं आपको बता देता हूँ, आज हम आईटन ग्रैंड में एलईडी डाल रहे हैं और एलईडी जो डाल रहे हैं वो बॉसनिक की डाल रहे हैं। और भाई ये एलईडी 55 वाट की एलईडी होती है। पहले मैं इसको प्रॉपर इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको बता देता हूँ। 55 वाट की एलईडी है भाई और ये आप देख सकते हो बॉसलिंक की बैजिंग। इधर आप देख सकते हो कितने लाइफ टाइम, कितने 30,000 आवर का लाइफ टाइम है इसमें। और 6,000 जो इसके जो पावर एक कैपेसिटी होती है, कितने हैलोजन्स होते हैं इसमें उस वो है। तो H4 साइज है भाई, ये हम इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं। और तरुण भाई आ चुके हैं, तरुण भाई लगे हुए हैं काम में। और उससे पहले वीडियो में भी बताया था भाई, तरुण भाई के पैर में फ्रैक्चर आ गया था। अब ये भी काम अभी कुछ दिन में, ये फ्रैक्चर का जो प्लास्टर है ये भी हट जाएगा। और ये भाई एलईडी है अपनी, ये आप देख पा रहे होगे प्रॉपर, और कैनवस के साथ आती है भाई। इस पर भी बैजिंग आपको बॉसनिक की दिख जाएगी। और पहले भी भाई इस एलईडी को यूज़ कर चुके हैं अपनी इको स्पोर्ट में, तो जो इसी कंपनी की एलईडी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो आज हम इसको यही सेम कंपनी की लगा रहे हैं अपनी आईटन ग्रैंड में। तो यहाँ पर फिटमेंट चालू कर दिया, प्रॉपर बम्फर खोल लिया गया है और ये आप देख सकते हो, ये इसका रिंग यहाँ पर लग गया है। मैं और जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखो एलईडी का रिंग प्रॉपर आ चुका है। और रिंग आने के बाद अब एलईडी को फिट किया जाएगा प्रॉपर, और जब भी फिट हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा। भाई ये वाली साइड नीचे आएगी, ये ऊपर वाला जो गोला है ना नीचे आएगा, जो एलईडी का ऊपर जो आ रहा है ना कटिंग, आप डालो मैं बता दूँ। बिल्कुल यही आएगी, बिल्कुल इसी तरीके से आएगी। तो भाई अब तरुण भाई उसको लगा रहे हैं, अभी वो फिटमेंट हो जाती है फिर मैं आपको प्रॉपर उसको दिखाऊंगा किस तरीके से वो लगेगा। भाई मैं आपको बता देता हूँ, इधर वाली एलईडी लाइट बिल्कुल प्रॉपर फिटमेंट हो चुकी है, साइड से भी दिख रही होगी शायद। ये आप, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको देख रहे होगी पार्किंग बल्ब भी, और ये भी एलईडी लग चुकी है और यहाँ से प्रॉपर फिटमेंट आ चुकी है, ढक्कन कवर वगैरह सब कुछ लग के। और अब यहाँ से दूसरी तरफ जो इंस्टॉलेशन थी वो तरुण भाई ने कर दी है। इधर पार्किंग बल्ब भी लगा रहे हैं इसमें, जो रिमोट से कई तरह का कलर चेंज करता है, उसका एक नाइट व्यू मैं आपको अलग दिखा दूंगा अभी आज ही। तो एक बार इसका पार्किंग बल्ब और ऑन हो जाता है वो दिखा देते हैं प्रॉपर, और नाइट का व्यू कैसा आता है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो चल चुका है भाई वो भी, अब ये एलईडी फिटमेंट होनी है, ये भी एलईडी फिटमेंट हो जाती है फिर प्रॉपर। ये देखो ये इस तरीके का कुछ व्यू आता है, रिमोट से वो चेंज भी हो जाते हैं कलर इसके। तो पहले वो ग्रिल लगेगी, ग्रिल यहाँ फिटमेंट हो जाएगी भाई प्रॉपर, प्रॉपर यहाँ फिटमेंट हो जाएगी यहाँ पर इस जगह, फिर उसके बाद एलईडी को लगाया जाएगा। और भाई एक साल की वारंटी में ये आती है एलईडी, और इसकी जो ब्राइटनेस होती है वो वाइट कलर में आती है, क्योंकि जो इसकी 6000 लुकम कुछ है लेजेंड, जो जो पावर हो जाती होती है, जो एलन लिखा होता है, तो वो वाइट कलर में ही निकल के आती है उसकी रोशनी। जितना उसको बढ़ाते जाओगे उतना वो फिर जितना कम करते जाएंगे, 8000 9000 10000 पे जाएंगे तो वो उतना ऑफ वाइट होता जाएगा, नीलापन आता जाएगा कुछ, और कम पे वो उतना नीचे पे पीला होता जाएगा। भाई ये एलईडी बिल्कुल यहाँ पर फिटमेंट हो चुकी है, ये आप देख सकते हो प्रॉपर आई है बिल्कुल, और लाइट ऑन ऑफ करके देख लेंगे दोनों, और नाइट का क्या परफॉर्मेंस आता है वो भी मैं इस वीडियो में आपको दिखा दूंगा। भाई ये लाइटिंग का काम पूरा हो चुका था, और ये आप ऊपर देख सकते हो, पहले दिखा देता हूँ, ये पार्किंग बल्ब बल देते जो 7 कलर से इसमें आते हैं और हर कलर चेंज हो जाता है। अभी इसमें मिक्सअप आ रहा है, रिमोट से ये वाला चेंज हो जाएगा, ये वाला जो कलर है उसमें भी अलग आ रहा है। उसके बाद अब हाई बीम जला देता हूँ, तो ये जो अभी हेडलाइट और जला के ऑन करके दिला देते हैं। भाई फॉग लैम्प बंद कर दे, लाइट जला दे, हेडलाइट भाई, ये हेडलाइट
हेडलाइट जल चुकी है, आप देख सकते हो दोनों तरफ, और इस तरीके का कुछ आता है। और इधर मैं आपको दिखा दूँ फोकस, तो ये देखो कहाँ तक जा रही है लाइटिंग, तो ये इस तरीके की कुछ हाई बीम आती है। तो भाई ये थी अपनी इंस्टॉलेशन LED से रिगार्डिंग। तो भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अश्वनी दीक्षित ब्लॉग्स को सब्सक्राइब ना कराओ तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे अश्वनी दीक्षित ब्लॉग्स की आने वाली वीडियो टाइम टाइम पर मिलती रहे। भाई मॉडिफिकेशन सर्विस से रिलेटेड कार में हम वीडियो आपके सामने लाते रहते हैं, इसी तरीके से को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसी तरीके से अश्वनी दीक्षित ब्लॉग्स को प्यार देते रहें।